अर्थसंदृष्टि अधिकार लेक्चर नंबर 25। ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम सुतामने नमो अरिहंता, नमो सिद्धां, नमो आयरियां, नमो शुद्धं प्रणम्य दिविन्दवरने विचन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्सपरूपणं वोच्यम्। आचार्य कल पंडित तोरणमल जी द्वारा लिखित समय ज्ञान चंद्रिका जीव कांड की यह अर्थसंदृष्टि है, उसका हिंदी अनुवाद देखते हुए हम पृष्ठ संख्या 930 पर आते हैं। 930 यहाँ हम गति मार्गणा में अलग अलग गतियों में जीवों की संख्या की संतुष्टि देखते हैं। अभी यहाँ कल्पवासी देवों के प्रमाण की रचना हम यहाँ देखने जा रहे हैं। वे छोटा छोटे तीन तीन पंक्तियों के पैराग्राफ दो, उसके पश्चात इन्हें सातवीं लाइन से 930 पृष्ठ सातवीं लाइन वहां से हम पढ़ेंगे। यहाँ कल्पवासी देवों के प्रमाण की रचना निम्नानुसार है। वे कल्पवासी किसको कहते हैं? ऊपर यानी कहते हैं पहले से सोलवे तक कल्पवासी, और ऊपर जो ग्रेवे आदि जो है वो कल्पातीत है। कल्पवासी में वो 10 अलग अलग उनके जो प्रकार है, इंद्र है, प्रतिग्रह, लोकपाल है, सामान्य है, प्रायद्वंस है, परिषद है, ये जो भेद जहाँ पाए जाते हैं उसको कहेंगे कल्पवासी, और जहाँ ऐसे कोई भेद नहीं है उसको कहेंगे कल्पाती। उसके ऊपर तो यहाँ कहते हैं कल्पवासी देवों के प्रमाण की रचना निम्नानुसार है, यानी ये जो संदृष्टि यहाँ नीचे लिखी है उसका अर्थ बात कर रहा है। कल तो हमने संख्या कितनी है उसको देखा ना, देख लो पहले 929 पृष्ठ पर। नीचे से तीसरी लाइन में लास्ट में सौधर्म युगल में देव राशि की संदृष्टि ऐसी ऐसे ने वो जगत श्रेणी उसको गुणा किया घनाकूल के तृतीय वर्गमूल से। उसके पश्चात यानी वो जगत श्रेणी को गुणकार रूप से है, और आगे जो सभी ऊपर के युगल वगैरह है वो जगत श्रेणी के भागा रूप से है। तो सनत कुमार युगल में हमने देखा जगत श्रेणी डिवाइडेड बाय जगत श्रेणी का 11वां वर्ग, फिर 5वें 6वें स्वर्ग में जगत श्रेणी डिवाइडेड बाय उसका 9वां वर्ग, 7वें 8वें के लिए जगत श्रेणी डिवाइडेड बाय 7वां वर्ग, 9वें 10वें के लिए जगत श्रेणी डिवाइडेड बाय 5वां वर्ग, 930 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, और 11वें 12वें के लिए जगत श्रेणी डिवाइडेड बाय उसका 4वां वर्ग। उसके नीचे के लाइन में बताया था आनंद आदि दो युगल यानी 13, 14, 15, 16, और अधस्तन मध्य ऊपरी तन ग्रहवे यानी नीचे के तीन, मध्य के तीन और ऊपर के तीन ग्रहवे, और अनुदिश विमान और अनुत्तर विमान इन 7 स्थानों में प्रत्येक में पल्ले के असंख्यात भाग मात्र देव है। ये सामान्य कथन है पल्ले का असंख्यात भाग, नीचे के स्वर्गों में अधिक हो गए ऊपर ऊपर कम। अब ये जो सारे अभी हमने पढ़ी है संदृष्टि वो नीचे यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये जो अभी नाम संदृष्टि और संख्या की संदृष्टि जो नीचे लिखी है उसका अर्थ बता रहे हैं।
यहाँ कल्पवासी देवों के प्रमाण की रचना निम्नानुसार है। यहाँ पहले, दूसरे, सातवें, आठवें युगल में दो दो इंद्र संबंधी देवों का प्रमाण है, वहाँ दो बार एक की संदृष्टि है। देखो नाम और संदृष्टि जहाँ लिखा है नीचे से ऊपर तक पढ़ना है, नीचे सौधर्म ईशान लिखा है और वहाँ एक एक लिखा है और उनकी संख्या कितनी है तो अभी हमने देखा था, जगत श्रेणी मल्टीप्लाइड बाय क्या है वो तीन बार तक धनांगों का तृतीय वर्गमूल, ये उसके आगे संदृष्टि लिखी। परंतु यहाँ एक एक क्या लिखा है, इंद्र ऊपर अभी हमने पढ़ा ना, दो दो इंद्र है वहाँ पर, यानी सौधर्म इंद्र अलग है, ईशान इंद्र अलग। फिर सनत कुमार महेंद्र में यहाँ लिखा ना पहले, दूसरे, सातवें, आठवें युगल में, दूसरा युगल यानी सनत कुमार महेंद्र उसमें भी एक एक लिखा है और उसके आगे संख्या की संदृष्टि है जगत श्रेणी डिवाइडेड बाय जगत श्रेणी का ग्यारहवा वर्गम। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में जीरो एक लिखा है, इसका अर्थ क्या है, एक ही इंद्र है, दक्षिण उत्तर मिलकर इंद्र एक ही है और उनकी संख्या हमने जो देखी थी जगत श्रेणी को उसके नौवे वर्गमूल से भाग दिया। लांतो कामिष्ट में भी जीरो एक लिखा है, पहला जो लिखा जाता है वो दक्षिण का है, बाद में जो लिखा जाता है वो उत्तर का है। तो लांतो कापिष्ट में भी जीरो एक लिखा है और उनकी संख्या है जगत श्रेणी डिवाइडेड बाय सातवां वर्गमूल। शुक्र महाशुक्र में भी एक ही इंद्र है, वहाँ एक और जीरो लिखा है, अब यहाँ दक्षिण का इंद्र है यानी शुक्र में इंद्र, शुक्र है, हाँ शुक्र में है और उनकी संख्या है जगत श्रेणी डिवाइडेड बाय पांचवा वर्गमूल। शतार सहस्रार में भी एक जीरो लिखा है और उसका उनकी संख्या है जगत श्रेणी डिवाइडेड बाय चौथा वर्गमूल। आनत प्राणत में एक एक लिखा है क्योंकि हमने पहले देखा था, उन्होंने बताया था जो पहला युगल है नीचे से एक दो तीन नाम अगर देते हैं सातवां और आठवां युगल जो है उसमें दो दो इंद्र, पहले दो युगल में और सातवें आठवें युगल में दो दो इंद्र हैं। तो आनत प्राणत की संख्या कितनी देखी, पल्ले का संख्या कर आरण अच्युत की, वो भी पल्ले की संख्या के साथ, वहाँ भी दो दो इंद्र हैं। अभी पंचकल्याण करके आए ना, कितने इंद्र थे वहाँ पे, सोलह, यहाँ पे बारह। हम हमेशा पूछ रहे ऐसा क्यों करते हैं, इंद्र तो बारह ही होते हैं हमने मंगलायतन वालों को भी पूछा था पवन जी को, तो कहते हम पैसे के लिए करते हैं, उतने आमदनी होती ना ज्यादा वे अलग, वे समोसरण में आते हैं हमेशा, स्वामी जी के प्रवचन में बहुत बार सुना होगा, सौ सौ इंद्रों की उपस्थिति में वो समोसरण में तीर्थंकर भगवान एम फरमावे जी, तो सौ सौ इंद्र में उनके तो आठ तक 32 उसके गंतर के होते हैं और 10 तक 40 तो भवनवासियों के होते हैं, 10 प्रकार के अलग अलग भवनवासी होते हैं उनकी संख्या के 40 और वो 32 हो, और यहाँ अभी हम इतने गिन रहे हैं 12 इंद्र यहाँ के हो गए, इंद्र और प्रतिंद्र भी हो गए, अब वापस हो गए इंद्र और 12 प्रतिंद्र, 24 वो चक्रवर्ती इंद्र होता है, एक अधोग्रैवेक में तीन, ये तीन ही इंद्रों की संख्या नहीं है, तीन ग्रैवेक है, पहला ग्रैवेक, दूसरा और तीसरा, यानी नौ ग्रैवेक में तीन ग्रुप बनाए, अधो, मध्य और ऊपरी। अधो में फिर अधो अधो कहेंगे, अधो मध्य कहेंगे और अधो ऊपरी कहेंगे, यानी हेट्टिमा 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 मध्यमा हेट्टिमा ऊपरी, पहला हेट्टिमा यानी नीचे का और फिर मध्यमा यानी मध्य ग्रैवेक, फिर मध्यमा में मध्यमा हेट्टिमा मध्यमा 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 ऊपरी, फिर ऊपरी में ऊपरीमा हेट्टिमा ऊपरीमा मध्यमा ऊपरीमा ऊपरीमा, हेट्टिमा ने नीचे का मध्यमा ने मध्यमा, ये तीन तीन तीन।
नाउ तो एक लेवल पर एक पूरे ग्रेवेट के जितने भी माने सबको एक नीचे का ग्रेवेट का ये जो नव है हर एक में पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण वहाँ देवों की संख्या यानी ये तीन में मिलकर पल्ले तीन में मिलकर पल्ले के असंख्यात वैसे हर एक में भी असंख्यात असंख्यात हो गए क्योंकि यहाँ तीनों को मिलकर यहाँ संख्या बताई गई तो सम्यक दृष्टि इसमें से कितने समय दृष्टि तो मेजॉरिटी तो समय दृष्टि में ज़्यादा है संख्या दृष्टि यहाँ तो समय दृष्टियों की संख्या नीचे के देवों की अपेक्षा यहाँ ज़्यादा है लांजो कापिष्ट कापिष्ट ब्रह्म तक ही इंद्र जीरो एक लिखा है जीरो एक यानी वो तो उत्तर की तरफ इंद्र है कापिष्ट ब्रह्म कापिष्ट ब्रह्म तक यानी उसको ब्रह्म इंद्र भी कहेंगे क्योंकि उनका रहने का कहाँ है उत्तर की ओर उत्तर में ईशान तो ईशान तो उत्तर में जैसे दक्षिण का सौदर में दक्षिण तरफ जो जो पहले नाम लेते हैं वो दक्षिण के जीरो एक वहाँ पे शतार में होगा सहस्रार में नहीं होगा हाँ शतार में सहस्रार में उनके रहने का कौन सा ठिकान है कौन से विमान में कहाँ रहते हैं वो सब त्रिलोक पंडित में बुलाते आते हैं अपने में वो भूगोल में लिया था कौन से इंद्र कहाँ रहते हैं अनुदिश के जो नौ है एक ही लेवल पर नौ विमान है उनमें भी पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण जीरो है और अनुत्तर के पांचों मिलकर पल्ले के असंख्यात विभाग परंतु अकेले सर्वार सिद्धि के देखेंगे तो संख्या है अकेले उसको छोड़कर बाकी के कितने तो पल्ले के असंख्यात विभाग उसको पकड़ कर भी उतने कहेंगे हम क्योंकि इनके तो संख्या है तो ये उसकी संदृष्टि अभी है हमने जो पढ़ा था ऊपर करेगा फिर उसको पढ़ते हैं कल्पवासी देवों के प्रमाण की रचना निम्नानुसार है यहाँ पहले दूसरे सातवें आठवें युगल में दो दो इंद्र संबंधी देवों का प्रमाण है वहाँ दो बार एक की संदृष्टि है इंद्र कितने वो बताए और वहाँ टोटल देव कितने वो राइट साइड में संख्या बताए तीसरे चौथे पाँचवें युगल में एक एक इंद्र है छठे में हाँ तीसरे चौथे पांचवे और छठे छठवे भी लिख ले लो वहाँ पर पांचवे और छठवे पहले जीरो और बाद में ऊपर पहले एक बाद में जीरो हाँ वो दक्षिण का है कि उत्तर का है उसकी पहले जो लिखते हैं वो दक्षिण दक्षिण बाद में लिखते हैं वो उत्तर यानी इतनी संदृष्टि में कौन से इंद्र कहाँ रहते हैं कितने वो सब उन्होंने बता दिया यहाँ छठवे वाली बात यहाँ लिखी है ना एक ही इंद्र वहाँ एक बार एक और एक बार बिंदी की संदृष्टि है तीन तीन अधम मध्य उपरिम ग्रहों संबंधी ऐसी ऐसी यानी तीन सब मिलकर तीन ऐसा वहाँ लिख दिए बस नौ अनुदिश संबंधी नौ लिखा अनु पाँच अनुत्तर संबंधी ऐसे यानी पाँच संदृष्टि जानी उसकी संदृष्टि पाँच सर्वार सिद्धि के देवराशि की संदृष्टि ऐसी ये बयालीस और आगे आदि की संदृष्टि किसकी मालूम है याद है 42 42 के लिए तो क्या लिखते 65 आदि लिखते हैं तो बादल को तीन बार लिखा है इसका अर्थ क्या है बादल का घर और आगे तीन चतुर्थांश लिखा कल इतनी संख्या किसकी देखी थी कल आपने बादल का घन का तीन चतुर्थांश हाँ बोलो मनुष्यनी मनुष्यनी की होती थी टोटल मनुष्यों की नहीं पर्याप्त मनुष्यों की बात पर्याप्त मनुष्यों की तो बादल का घन इतना लिया था हमने यहाँ तो किसकी है मनुष्य देखो गीता में मनुष्य की संख्या देखी 929 पेज पर है 529 पृष्ठ पर मनुष्य पर्याप्त मनुष्य राशि के बादल का गण था और उसको तीन चतुर्थांश किया था नीचे की लाइन में अपर्याप्त मनुष्य तो वो तो अपर्याप्त नहीं योनि मति
अब यहाँ जो मनुष्य नियम की संख्या है बादल का घन मल्टीप्लाइड बाय तीन चतुर्थांश यानी उसका तीन चतुर्थांश हिस्सा, उसको तीन से गुणा करो या किसी के मत से सात से गुणा करो। मनुष्य नियम की जितनी संख्या है उससे तीन गुणा करो या किसी आचार्य के मत के अनुसार सात गुना जीव सर्वार सिद्धि में। हाँ वहाँ तो समय दृष्टि ही आनंद और आनंद ने नीचे के अनुदेश और अनुत्तर सभी समय दृष्टि ही होते हैं और सर्वार सिद्धि के सभी वहाँ से मनुष्य में आकर मोक्ष हो जाएंगे नियम से, नियम रूप से। सर्वार सिद्धि वाले नियम रूप से जाते हैं, सभी दक्षिण के इंद्र नियम रूप से नेक्स्ट लॉ में मोक्ष चले जाते हैं, उनके जो लोकपाल है अभी स्वधर्म के लोकपाल नाम मालूम है, सोम है, यम है, कुबेर है और अरुण है, ब्रह्म ये तो कोई वो तो ब्रह्म वगैरह वो तो उसके इंद्र का नाम है, उन लोकपाल का नाम लेंगे स्वधर्म के लोकपाल धर्म के सोम यम वरुण और कुबेर, ये भी नेक्स्ट भव में आने वाले भव में नियम रूप से मोक्ष जाए। शचि इंद्रानी भी नियम रूप से मोक्ष चल जाए, ये सारे एक भव बस। बाकी दूसरे कौन से होते हैं नियम रूप से मोक्ष जाने वाले, लोकांतिक देव कहाँ रहते हैं लोकांतिक, ब्रह्म में वो अंदर बाहरी हो। तो ये सर्वार सिद्धि के देव राशि की संतुष्टि ऐसी, यहाँ बादल तीन बार लिखा उसका फिर बादल का घन और उसका तीन चतुर्थांश, ये तो मनुष्य नियम की संख्या हुई और उसको तीन से गुणा करो या सात, सात दोनों ही मत है इसलिए दोनों ही संतुष्टि बताए। इंद्र भी जाते होंगे ना दक्षिण के, बताए ना दक्षिण के सभी इंद्र जाते हैं, उत्तर का कोई नियम नहीं है, जो नियम रूप है उसको बताया, उत्तर के जाएंगे भी ऐसे कोई नहीं जाते ऐसी कोई बात नहीं, और सामान्य देव भी कितने ही चले गए ये भी जरूरी नहीं कि उनके इंद्र होना चाहिए। ये अनुत्तर अनुदिश के किस सब जाते हैं, नहीं अनुत्तर अनुदिश या अनुदिश अनुत्तर का नियम नहीं है, समय दृष्टि होते हैं बिल्कुल समय, क्योंकि भावलिंग की संगति वहाँ चले जाएगा और वो तो मिथ्या तो नहीं जाते ही, ग्रहवेग तक ही मिथ्या दृष्टि हो सकती है, अनुदेश और अनुत्तर के सारे ही समय दृष्टि है। सर्वार सिद्धि वाले नियम रूप से चल रहे हैं, यहाँ मनुष्य नी के प्रमाण के आगे तीन या सात का गुणकार जानना, ये उन्होंने क्या लिखा है उसको भी शब्दों में बता दें। सर्वदेव राशि की संदृष्टि ऐसी, हमने ज्योतिषी की अलग देखी, यंत्र की अलग देखी, देखो यहाँ हमने देखा था, अब यहाँ बता रहे आगे चलो यहीं से पढ़ेंगे। तो ऐसी यानी ऊपर जो आड़ी दो लाइन है उसका अर्थ क्या है, कल देखा था मेरे भाई कल क्या नहीं थे जगत प्रकट, दो आड़ी लाइन है ना, दो आड़ी लाइन जगत प्रकट डिवाइडेड बाई चार का अर्थ होता है प्रतरंग, मल्टीप्लीकेशन में वहाँ पनट्ठी है, अकेले इतने ही ले लेते हैं तो ये तो ज्योतिष राशि है। और उसके आगे क्या लिखा है, एक लिख के उस पर प्लस में एक का संख्या तो भाव, और ऊपर फिर दो लाइन लिखी है सालिक राशियाँ हैं वो, यानी ज्योतिष राशि जो है इसका अर्थ आगे बताया है वहीं से पढ़ेंगे। यहाँ ज्योतिष की राशि ऐसी ऐसी यानी कैसी, जगत प्रतर डिवाइडेड बाय प्रतरांगुल, कितने प्रतरांगुल तो पनट्ठी प्रमाण प्रतरांगुल, ये दो आड़ी लाइन है जगत प्रतर डिवाइडेड बाय प्रतरांगुल और ये है पनट्ठी की संख्या, इतने अकेले ज्योतिष राशि। उसके आगे इसके संख्यात्व भाग प्रमाण अंतर राशि है, इसी का संख्यात्व भाग इसी का, यानी इसको एक लिखेंगे तो कोई नहीं है यही इसी की रहेगी, तो इसी का संख्या का अभाव इसमें मिला है तो वन अपॉन नू इसमें मिला है, ये उसका संख्या का अभाव इसमें मिलाया, उसका गुणकार करने पर व्यंतर राशि सहित ज्योतिष की राशि है इसी, ये व्यंतर और ज्योतिष के मिलकर ये राशि हुई, इसके ऊपर भवनवासी और कल्पवासी
ये दो राशियां मिलाने के लिए ऊपर दो उभी नीक यानी रेखा है, ऐसी संदृष्टि कर रहे हैं। ये इसके पूरे टोटल के ऊपर में दो संख्या है, जैसे दो लाइन लिखा है, मैंने दो संख्या इसमें डाली है। कौन सी? भवनवासी और कल्पवासी। कल्पवासी कहो या वैमानिक कहो, मैंने ऊपर की सभी देव राशि उसमें आ गई। मेरे जगत प्रत्यय डिवाइडेड बाय प्रत्याल बोल नाप पड़े और उसी में क्या मिलाया, वन प्लस उसका संख्या तो ना, ये कैसा आया जरा हम देखते हैं। सादिक सादिक भी कैसा आया है उसको देखेंगे थोड़ा। हम यहाँ देखते हैं कि इसमें मिलाना है हमको आगे की राशि। इतनी थी हमारे पास ज्योतिष राशि और उसमें हमने क्या मिलाना है, व्यंतर की राशि। व्यंतर की राशि कितनी थी कल हमने देखी थी, आगे 81 थे ना, 81,000। हाँ, और उसके ऊपर 10 तो 10 सबके लिए हम संख्या देते हैं, यानी इसका संख्या का भाग है 20 प्लस इसका, इसका संख्या का भाग, यानी इतना कॉमन है दोनों, तो संख्या का भाग ऐड करना है, 1/2 इतना ऐड करना है, तो एक का गुणकार लिखा और उसके ऊपर वो संख्या है। जैसे हम लव पाँच में ऐड करते हैं ना, वेस्ट तरह डायरेक्ट इसमें ऐड नहीं करना, एक का गुणकार करके उसके ऊपर वो संख्या का भाग है, क्योंकि ये दोनों में ये कॉमन है और यह भागहार में संख्या है। संख्या की वैल्यू कितनी होती है, वो 81,000 करोड़, 81 मल्टीप्लाइड बाय 10 जीरो ऊपर उसके आगे 10 डेसिमल। संपूर्ण देव राशि की संदृष्टि होती है। यहाँ उन्होंने पुस्तक में तो कल्पवासी लिखा है परंतु वो वैमानिक लिखेंगे तो क्योंकि ऊपर के भी सब उसमें आ गए। अब इंद्रिय मार्गना में संदृष्टि की होती है। इंद्रिय मार्गना की अपेक्षा कितने भेद है नितिन भाई, कुछ याद है? क्योंकि बहुत टाइम हो ना टेबल सॉल्व कर। इंद्रिय मार्गना की अपेक्षा जीवन के कितने कितने भेद किए हुए हैं? हाँ, कितने हुए जोर से बोलो? पांच हुए ना, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंच इंद्रिय, इतने भेद हुए। काय मार्गना की अपेक्षा फिर हम भेद बाद में गिनाएंगे। तब इंद्रिय मार्गना में संदृष्टि के, हमने तो इंद्रिय मार्गना को डिटेल में पढ़ा था, जहाँ जहाँ संदृष्टि होगी वहाँ वहाँ बताएंगे, विशेषता उनकी संख्या वगैरह आती है वहाँ उसकी बात करेंगे। वहाँ निर्वृत्ति रूप द्रव्योन्द्रियों की अवगाहना में, इंद्रिय मार्गना में पहले में पहले इंद्रिय क्या होते हैं वो बताया था, द्रवेंद्रिय भावेंद्रिय की चर्चा की थी, और निवृत्ति रूप द्रवेंद्रिय यानी द्रवेंद्रियों की जो रचना है भौगोलिक रचना उसकी बात है, और उसकी जो अवगाहना है कौन से इंद्रिय की, द्रवेंद्रिय की अवगाहना कितनी है उसको बताया था। तो उसमें चक्षु इंद्रिय की अवगाहना ऐसी छह जो लिखा है उसका अर्थ है यहाँ पर घनाम रूप, उसको पल्ले के असंख्या के भाग का गुणा किया और फिर किससे भाग दिया, पल्ले के असंख्या का भाग का संख्या का, फिर दोबारा संख्या का और एक अधिक पल्ले के असंख्या के भाग का, क्योंकि इससे आगे वाले जितना गुना होगा उसके भागाकार में हम उसको कैंसिल कैंसिल करें, अपवर्तन करेंगे। जैसे हमने जीवों की अवगाहना में देखा था, निगोद की अवगाहना में वो इतने बार पल्ले के असंख्या विभाग वगैरह वगैरह, आवली के असंख्या विभाग, और जब जब उसके आगे वाली संख्या आती है उतने गुना तो फिर उसको कैंसिल किया। वैसे यहाँ पर समझ, सबसे छोटी चक्षु इंद्र की अवगाहना है तो ये बता दी, यहाँ घनागुल छः को यानी घनागुल की संदृष्टि छः है, पल्ले के असंख्या के भाग का गुणकार जानना इन्हें पर असंख्या तथा पल्ले के असंख्या के भाग का और संख्यात का
और एक अधिक पल्ले के असंख्यात भाव का बाधर जाना। अब ये चक्षु इंद्रिय की जो अवगाहना उससे इससे ने चक्षु इंद्रिय की अवगाहना से संख्यात गुण श्रोत्र इंद्रिय की अवगाहना है वहाँ संख्यात के गुणकार और भागार का अपवर्तन करने पर ऐसी संदृष्टि होती है। अभी जो ऊपर की इंद्रिय मार्गणा के पहले लाइन में जो संदृष्टि लिखी है उसको संख्यात से गुणा करेंगे तो क्या होगा, भागार का एक संख्यात कैंसिल हो जाएगा, उसको कहेंगे अपवर्तन करेंगे उसका, तो जो रहेगी वो घनांगुल मल्टीप्लाइड बाय पल्ले का संख्यात भाग डिवाइडेड बाय पल्ले का संख्यात भाग संख्यात और एक अधिक पल्ले का संख्यात। पुनश्च इसको पल्ले के असंख्यात भाग का भाग देकर एक भाग से अधिक घ्राणेन्द्रिय की अवगाहना, असंख्यात भाग अधिक कोई संख्या निकालनी है तो मेथड क्या है, किसी संख्या से भाग देना, असंख्या का भाग प्लस वन, हमें किसी संख्या को असंख्यात का भाग देना है और वो उसी में मिलाना है। मैंने उदाहरण दिया था 81 को 9 से भाग देना है, वो नौवा भाग उसमें मिलाना है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी एक अधिक से गुणा करना, जो भागाकार है उसमें एक मिला के उससे गुणा करना। अब यहाँ क्या है, पल्ले के असंख्यात भाग से भाग देना है और यानी तब उसका आगे वाला मिलेगा हमें, एक अधिक पल्ले के असंख्यात भाग से गुणा करके पल्ले के असंख्यात भाग से भाग देना है। अब यहाँ कहाँ तक आए हैं हम, पहले में पहले चक्षु इंद्रिय की कितनी देखी थी हमने, घनांगुल मल्टीप्लाइड बाय पल्ले का संख्या का भाग डिवाइडेड बाय पल्ले का संख्या का भाग संख्या, फिर दोबारा संख्या और एक अधिक पल्ले का संख्या का भाग, ये चक्षु इंद्रिय की हुई। चक्षु इंद्रिय की हुई इसको हमने श्रोत्र इंद्रिय के लिए क्या हुआ, तो उसके संख्यात गुणा है तो मल्टीप्लाइड बाय संख्यात गुणा करेंगे तो ये श्रोत्र इंद्रिय की होगी, तो ये निकल गया अपन अपवर्तन हुआ ना, तो ये कैंसिल कर, ये श्रोत्र इंद्रिय की होगी। उसके आगे कौन सी है, घ्राणेन्द्रिय की, घ्राणेन्द्रिय की क्या कहा उन्होंने, पल्ले के असंख्यात भाग का भाग देकर वो उसमें मिलाना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पल्ले के असंख्यात भाग से भाग देंगे और एक अधिक पल्ले के असंख्यात भाग से गुणा करेंगे तो वो असंख्यात का भाग अधिक होगा, बराबर है ये, ये जो संख्या थी श्रोत्र इंद्रिय की जो अवगाहना थी उसको पल्ले के असंख्यात भाग से भाग दिया और एक अधिक पल्ले के असंख्यात भाग से गुणा किया तो क्या हुआ, इसके साथ ये कैंसिल हुआ, इसके साथ ये कैंसिल हुआ, ये क्या मिला अभी हमें, देखो यहाँ लिखा है नीचे से चौथी लाइन, पुनश्च इसको पल्ले के असंख्यात भाग का भाग देकर एक भाग से अधिक घ्राणेन्द्रिय की उगाना है वहाँ पल्ले के असंख्यात भाग का भागार, ये पल्ले के असंख्यात भाग का भागार और इससे एक अधिक का गुणकार, इससे ने पल्ले के असंख्यात भाग के एक अधिक का गुणकार हुआ उसका अपवर्तन करने पर, तो पहले में जो उसकी संख्या थी उसका उसका इसका अपवर्तन हुआ, इसका इसका अपवर्तन हुआ, अपवर्तन करने पर ऐसी संदृष्टि होती है, किसकी कमी ये बात, अभी क्या रह गया है, ये इतनी हो गई, देखो ये घ्राणेन्द्रिय की अवगाहना, इससे पल्ले के असंख्यात भाग गुणा जिह्वा इंद्रिय की अवगाहना है, यानी जिह्वा इंद्रिय की अवगाहना करने के लिए इसको पल्ले के असंख्यात भाग से गुणा करेंगे तो ये कैंसिल,
तो वर्णन गुण का संख्या का अभाव ये जिह्वा इंद्रिय की अवर्णन इंद्रिय की कैंसल हो गया, निकाल दोगे इसीलिए पहली वाली संख्या ऐसी अटपटी ली थी तो आगे वाली हम उतने गुणा कर सकते हैं। तो हम अभी 932 पृष्ठ पर आए, उसे अपवर्तन करने पर घनांगुल का संख्यात्वा भाग मात्रा ऐसी होती है। इसकी हुई है रसनेन्द्रिय, अब स्पर्शनेन्द्रिय की बताएंगे। पुनश्च स्पर्शनेन्द्रिय की जघन्य उगाहना कितनी होगी, क्योंकि स्पर्शनेन्द्रिय पूरे पूरे भाग में होता है, पूरे शरीर में है, तो वो शरीर की जो उगाना प्रमाण उसकी स्पर्शन इंद्रिय की उगाना होगी। इसलिए हमें समझ में आ गया, इसलिए लिखा है यहाँ पर ब्रैकेट में सूक्ष्म निरोध लब्धि अपर्याप्त की जगन्य उगाना, याद है ना, ये हमने घनांगुल उसको हमने आपका संख्या स्वभाव वगैरह वगैरह सब ये किया था। और उत्कृष्ट अवगाहना महामत्स्य की वो कितनी थी, तो संख्या घनांगुल थी, यानी 5 बार संख्या से गुणित घनांगुल था। अब इसको हम कितने भी बड़े संख्या से गुणा करेंगे तो ये संख्या गुणा हो जाएगी, संख्या गुणा करना है, उत्कृष्ट अवगाहना ही नहीं है वहाँ पर। यहाँ जीव समास अधिकार में शरीर की जघन्य उत्कृष्ट अवगाहना का जो प्रमाण कहा था वही जानना, ये तो हम देख चुके हैं बहुत विस्तार से, इसकी चर्चा भी की थी और संदृष्टि भी देखी। तो ये इंद्रियों के अवगाहना की संदृष्टि बताती। पुनश्च जीवों की संख्या में हम पहले जो देख चुके थे तिर्यंच में, तो हमने पंचेंद्रियों की अलग से देखी, टोटल तिर्यंचों की देखी, पंचेंद्रीय तिर्यंचों की देखी और तिर्यंच पर्याप्त की देखी, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त। यहाँ इंद्रिय मार्गणा है, एक इंद्रिय की द्वि इंद्रिय की यहाँ फिर दोबारा बता रहे। जीवों की संख्या में एक इंद्रिय राशि की संदृष्टि ऐसी, 13 क्या है, संसारी जीव राशि, और उसके आगे माइनस की साइन लिखी। यहाँ संसारी के संसारी राशि के आगे त्रस राशि घटाने की ऐसी संदृष्टि जाननी है, एक राशि घटाए कौन सी त्रस राशि, तो हमें एक इंद्रिय राशि मिल जाएगी। इसको संख्यात की सेनानी यहाँ पर 5 काम का है, ये यहाँ 5 का मान लिया है, तो ये जो टोटल एक इंद्रिय राशि उसको संख्यात का भाग देंगे, उसका बहुभाग, उसका भाग देकर बहुभाग प्रमाण पर्याप्त राशि की संदृष्टि ऐसी, जो टोटल एक इंद्रिय राशि है उसमें संख्यात बहुभाग प्रमाण पर्याप्त राशि उसकी संदृष्टि कैसी, 13 माइनस का अर्थ होता है एक इंद्रिय राशि, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। हम जब बहुभाग निकालते हैं तो जिस संख्या से भाग देते हैं उसमें से एक कम करके उससे गुणा करें तो हमें बहुभाग मिलेगा, और यदि हम 6 से गुणा करते तो 5वां भाग उसमें मिला नहीं की संदृष्टि होगा, यहाँ हमें बहुभाग लेना है। जहाँ बहुभाग का ग्रहण हो वहाँ भागहार का भाग देकर एक कम भागहार के प्रमाण का बहुभाग जानना। देखो ये संदृष्टि में बारंबार पंडित जी ने कितना समझाया है, ये क्यों कहा, इसका अर्थ क्या होता है, नहीं तो मूल पुस्तक देख के निकाल के देखना, कोमर सारे कंपनी जो ओरिजिनल ग्रंथ है उसमें मात्र संदृष्टि लिखी है, उसका अर्थ क्या होता है, कैसे करना, वो कुछ समझ में नहीं आती बात। पुनश्च एक इंद्रिय सामान्य राशि को असंख्यात लोक की संदृष्टि यहाँ पर 9 का अंक, ये हमने मान लिया 9 का अंक। देखो एक इंद्रिय के मात्र पर्याप्त अपर्याप्त भेद करेंगे, पर्याप्त अपर्याप्त है ना, पर्याप्त कौन से पर्याप्त लेना, पर्याप्त कौन से लेना, पर्याप्त संख्या बहुभाग है तो सूक्ष्म लेना के बादल लेना, एक इंद्रिय दोनों, एक इंद्रियों के हमने 2 अलग अलग पद्धति से रिविजन करेंगे, पर्याप्त इतना अपना क्राइटेरिया रखेंगे, पर्याप्त एक इंद्रिय उसमें सूक्ष्म पर्याप्त भी आया और बादल पर्याप्त भी आया, तो उसको हमने देखा था संख्या बहुभाग प्रमाण,
and divided by 5 multiplied by 4. और अपर्याप्तम एक भाग है। अब यहाँ दूसरी पद्धति से उसकी डिवीजन कर रहे हैं, देखो एकेंद्रिय सामान्य राशि को मिला तो असंख्यात लोक की संदृष्टि यहाँ पर 9 काम कर उसका भाग देकर एक भाग मात्र बागर एकेंद्रिय राशि की संदृष्टि उसकी। बागर एकेंद्रिय में पर्याप्त पर्याप्त दोनों भी है, पहले मूल भेद करेंगे बागर और सूक्ष्म। तो एकेंद्रिय राशि के पहले ने मात्र पर्याप्त पर्याप्त भेद किए थे, पर्याप्त में बादल सूक्ष्म दोनों लिए थे तो वो तो संख्या दो भाग हुई। अब वो क्राइटेरिया नहीं लगा रहे, हम डायरेक्ट एकेंद्रियों को बादल और सूक्ष्म में डिवाइड कर रहे हैं। तो बादल कितने हैं, तो असंख्यात लोक का भाग देकर एक भाग प्रमाण है बादल जी, और सूक्ष्म जी 8 यानी बहुभाग। असंख्यात लोक का भाग देकर बहुभाग प्रमाण, क्योंकि हमने देखा था बादर एक इंद्रिय तो कहाँ रहते हैं और सूक्ष्म एक इंद्रिय पूरे लोक में रहते हैं, वो भी प्रसाद और बने सर्वत। तो असंख्यात बहुभाग प्रमाण, असंख्यात लोक का भाग देकर उसके बहुभाग प्रमाण। यहाँ लिखा ना असंख्यात लोक की संदृष्टि 9 का अंक उसका भाग देकर एक भाग मात्र बादर एक इंद्रिय की संदृष्टि ऐसी, यानी 13 माइनस ये एकेंद्रीय राशि उसको 9 यानी असंख्यात लोक का भाग दिया और 1 से गुणा किया, ये तो हुई बादल की राशि। तथा बहुभाग मात्र सूक्ष्म राशि की ऐसी, यानी उसको 9 से भाग दिया और 8 से गुणा किया। 9 का अर्थ असंख्यात लोक और 8 का अर्थ एकदम असंख्यात लोक। ये बात ख्याल में आई ना, अभी तक हमने बादल और सूक्ष्म से दो ही भेद किए। अब फिर बादल एक इंद्रिय राशि को असंख्यात लोक की संदृष्टि यहाँ पर 7 का अंतर, क्योंकि असंख्यात लोक के भी प्रमाण अलग अलग है और यहाँ अलग प्रमाण वाला असंख्यात लोक से भाग देंगे उसका भाग देकर बहुभाग मात्र अपर्याप्त राशि की संदृष्टि ऐसी। सामान्य एकेंद्रिय में पर्याप्त संख्यात बहुभाग थे, बादर एकेंद्रियों में पर्याप्त राशि जो है वो असंख्यात वे भाग प्रमाण है और बादर एकेंद्रियों की अपर्याप्त राशि जो है वो असंख्यात बहुभाग प्रमाण। तो छोटा पुलटा हो गया ना, नहीं समझा? राइट साइड का टेबल देखो, 933 देखो, वहाँ बीच में लिखा है एकेंद्रिय। टोटल एकेंद्रिय कितना है, 13 माइनस 6, उसके एक बाजू लिखा है पर्याप्त, एक बाजू लिखा है अपर्याप्त, ये दो ही भेद करेंगे। तो पर्याप्त कितने हैं, तो 5 से भाग दिया और 4 से गुणा किया, उसका अर्थ क्या है, संख्यात बहुभाग, संख्यात बहुभाग। और अपर्याप्त राशि कितनी है, संख्यात वा भाग, 5 से भाग देकर एक भाग। अब ये हम क्लासिफिकेशन अलग रखेंगे, अब दूसरी पद्धति से उसी फिगर को देखेंगे। एकेंद्रिय है जो 13 माइनस सेंटर में लिखा है, उसके डिवीजन में दो बाजू दो लिखा है, एक बाजू बादर लिखा है, एक बाजू सूक्ष्म लिखा है। बादर कितने हैं, तो 9 का अर्थ है असंख्यात लोक, असंख्यात का ये 13 माइनस को असंख्यात लोक का भाग देकर एक भाग प्रमाण, यानी असंख्यात का भाग हुआ ना, बादर एकेंद्रिय हुए और सूक्ष्म एकेंद्रिय कितने हुए, बहुभाग, असंख्यात लोक का भाग देकर बहुभाग प्रमाण। उसके लिए बहुभाग के लिए 9 से भाग देके 8 से गुणा किया। अब बादर जो है उसके फिर दो भेद करेंगे और सूक्ष्म के भी दो भेद करेंगे, बादर में भी पर्याप्त अपर्याप्त होते हैं और सूक्ष्म में भी पर्याप्त अपर्याप्त। बादर में जो हम 13 माइनस और डिवाइडेड बाय 9 थे उसके दो भाग किए हमने, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो बादर जीवों की जो टोटल राशि है उसको 7 से भाग दिया, 7 का भी अर्थ असंख्यात लोक है, दूसरा टाइप, दूसरा उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो उससे भाग दिया तो एक भाग प्रमाण तो पर्याप्त बादर है।
और सात से भाग देके छह से गुणा किया, इसका अर्थ क्या है? बहुभाग। असंख्यात बहुभाग प्रमाण अपर्याप्त बाधक। यहाँ तक बात ख्याल में आई। अभी सूक्ष्म की ओर चले। सूक्ष्म जो है उसको जो 13 माइनस को 9 से भाग दिया था, 8 से गुणा किया था, उसको फिर 5 से भाग दिया और 4 से गुणा किया, यानी संख्या बहुभाग हुए। सूक्ष्म के पर्याप्त जीव ज्यादा है, बादर के अपर्याप्त जीव ज्यादा है। एक इंद्रिय में पर्याप्त ज्यादा है कि अपर्याप्त ज्यादा है? तो कहेंगे पर्याप्त। तो किसके पर्याप्त ज्यादा है? सूक्ष्म की ज्यादा है, इसलिए मेजोरिटी में वो सब एक इंद्रिय की पर्याप्त ज्यादा है। तो अभी हम यहाँ फिर पढ़ेंगे जहाँ हम संतुष्टि पढ़ रहे थे, 932 पृष्ठ पर नीचे से दूसरा करेगा। बादर एक इंद्रिय राशि को, बादर एक इंद्रिय राशि 13 माइनस को हमने 9 से भाग दिया था, एक भाग प्रमाण था। असंख्यात लोक की संदृष्टि यहाँ पर सात का अंतर है, उसका भाग देकर बहुभाग मात्र अपर्याप्त राशि की संदृष्टि है इसे, यानी जो 13 माइनस को 9 का भाग दिया था, तो एक भाग प्रमाण जो बादल जीव थे अपर्याप्त की संख्या निकालने के लिए 7 से भाग दिया और 6 से गुणा किया, वो बहुभाग आया, और एक भाग मात्र पर्याप्त राशि की ऐसी, मैंने 7 से भाग दिया, बहुभाग के लिए 6 से गुणा किया था, एक भाग के लिए एक ही भाग रखा था। लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी समझने के लिए वहां एक अकड़ा लिख दिया। पुनश्च सूक्ष्म एक इंद्रिय राशि को, यहाँ पर संख्या की सेनानी 5 काम है, पांच यानी एग्जैक्ट वहां 5 नहीं होगी, संख्या कोई होगा, फिर भी उसको समझने के लिए 5 लिख दिया। उसका भाग देकर बहुभाग मात्र पर्याप्त राशि की ऐसी, सूक्ष्म की कितनी थी ओरिजिनल 13 माइनस डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8, उसको फिर 5 से भाग दिया और 4 से गुणा किया, तथा एक भाग मात्र अपर्याप्त राशि की ऐसी है, यानी उसको हाँ ये जो 13 माइनस डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 था और उसको 5 से भाग दिया, तो ये एक भाग हो गया। उसके आगे 8 के आगे एक लिखो तो भी चले, नहीं लिखो तो भी चले। नीचे के टेबल में हमने लिख दिया एक भाग, ये उसकी संदृष्टि। यहाँ तक समझ में आई बात? पुनश्च सामान्य तरस राशि की संदृष्टि ऐसी। अब इसको हमने कल बहुत गूंध गूंध कर समझा था यहाँ से, क्योंकि यही संदृष्टि आई थी पीछे पंचेन्द्रिय तिर्यंचों की राशि में, देख लेते हम इसको भी, क्योंकि यहाँ से लेकर हमारे 936 के अंत तक सब हमने पढ़ा है। यह भी था ना, ये सारी संदृष्टियाँ बहुत विस्तार से समझाई थी, यानी यहाँ सामान्य त्रस राशि बताइए, इसके सिंबल्स केवल देखेंगे, दो आड़ी लाइन का अर्थ होता है जगत पृथक डिवाइडेड बाय प्रतरंग डिवाइडेड बाय असंख्या, और उसको आवली के असंख्या के भाग के लिए 9 उसकी संख्या लिखी है, उसका भाग देंगे और उसका बहुभाग करने के लिए 8 से गुणा करेंगे, जिससे भाग देते हैं उससे एक कम से गुणा करेंगे तो असंख्यात वा भाग अधिक, सॉरी असंख्यात बहुभाग, बहुभाग उसके हमने 4 समान भाग करके द्विंद्रिय तिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय को दिया, जो एक एक भाग रहा था उसको दोबारा आवली के असंख्यात के भाग से भाग दिया, पहला बहुभाग द्विंद्रिय को दिया, दूसरा बहुभाग तिंद्रिय, एक एक भाग बचेगा फिर उसका बहुभाग, जो एक भाग बचेगा फिर उसका बहुभाग, तीन इंद्रिय को दिया, चतुर इंद्रिय को दिया और लास्ट में पंचेंद्रिय, यानी ये तो समभाग हुआ, पहले हमने समभाग दिया था चौथा भाग करके, और बाद में जो एक भाग बचा था उसका बहुभाग बहुभाग हर एक को, तो द्विंद्रिय के खाते में ज्यादा आ गए, उससे कम तीन इंद्रिय को, उससे कम चतुर इंद्रिय को, उससे कम पंचेंद्रिय को।
और इसको कैसे सॉल्व करना उसको समच्छेद किया था हमने, और फिर समच्छेद करके ये जो यहाँ 934 पर जो टेबल है ना बिंगली के नीचे, समच्छेद यानी उसके समान कर दिए हमने छेद, और जितने समान करने के लिए आवश्यक थे उसको अंश में भी उससे गुणा किया। ये जो समभाग में जगत प्रतल के आगे 8 × 9 × 9 × 9 है, वही बात 935 पृष्ठ पर उनका गुणकार करके 5832 लिख दिए। और भागहार में जहाँ 4 × 4 9 9 9 9 थे, 4 × 4 वैसे लिखे, और आगे के 4 × 9 है उसका गुणकार करके 6561 लिखे। आगे की सभी संख्या इसी पद्धति से निकाली। और फिर उसके नीचे पर्याप्तम की अलग बात बताई है और अपर्याप्तम की अलग बात। पहले सामान्य की बात बताई, फिर पर्याप्तम की संख्या निकाली, उसके बाद सामान्य में से पर्याप्त को माइनस किया तब अपर्याप्तम की संख्या निकाली। यहाँ जो 936 पृष्ठ पर जो हमने करेक्शन किया है, सबसे नीचे के टेबल में यहाँ 4 नाम लिखे हैं, 3 लिए, 2 लिए, 5 लिए, 4 लिए, है ना। तो जहाँ 3 लिए लिखा है, कल हमने करेक्शन बताया था, 3 लिए, फिर 2 लिए, फिर 5 लिए, फिर 4 लिए, उसके नीचे जो संख्याएं लिखी है यहाँ पर, तो ये संख्या ऐसी होनी चाहिए और ये ऐसी होनी चाहिए। पंचेंद्रिय की यहाँ होनी चाहिए थी और ये चतुंद्रिय यहाँ होनी चाहिए। इतना यहाँ एरो कर दो तो वो अर्थ सही भाषित हो जाए। यहाँ जो जो संख्या लिखी है लास्ट, अभी जो हमने करेक्शन किया है, वो जो हमने पहले सामान्य राशि निकाली थी उसमें से पर्याप्त राशि की जो संख्या आई थी उसको घटाने के लिए उसके ऊपर 0 करके लिखा है, 0 का अर्थ उसमें से घटा है। यानी ये जो अभी हमने करेक्शन किया था, 3 लिए की राशि कैसे पढ़ेंगे हम, सेकंड कॉलम में जो लिखा है जगत प्रतर मल्टीप्लाइड बाय 6120 × असंख्यात, ये असंख्यात कहाँ से आया, तो जगत प्रतर को प्रतरांगुल से भाग दिया था और उसके नीचे असंख्यात था, भागहार का भागहार गुणकार में चला गया। और 6120 कहाँ से आया, तो हमने जो 4 × 4 × 9 वगैरह उसकी जो संख्या का गुणकार किया था उसकी बात हुआ। वैसे ही वो 5 का जो भाग था पर्याप्त जीवन की संख्या निकालते समय निकाला था उसका, तो उसको भी गुणकार रूप में चला गया। तो ऊपर का 0 का अर्थ है उसमें से वो राशि माइनस की, यानी यहाँ पर जो द्विंद्रिय की राशि लिखी है वो कैसे पढ़ेंगे हम, पहले कॉलम में जो द्विंद्रिय की राशि कि जगत प्रतर के आगे 8420 × 4 असंख्यात है, माइनस क्या करना 6120 × 5, उसके ऊपर जो 0 की साइन है उसका अर्थ उसको हमने माइनस किया। यही बात उस टेबल के नीचे लिखी, यहाँ सामान्य राशि 100 तो मूल राशि और पर्याप्त राशि 100 ऋण राशि, इसका अर्थ है सामान्य त्रस में से पर्याप्त त्रस की संख्या माइनस करना तो क्या मिलेगा, अपर्याप्त त्रस। इन दोनों में जगत प्रतर डिवाइडेड बाय पहला 4 का अर्थ होता है प्रतरांगुल, दूसरे 4 का अर्थ होता है 4, और फिर 6561 इतना तो सब में कॉमन है, अर्थात जगत प्रतर को प्रतरांगुल और चौगुना 6561 का भाग समान देखकर मूल राशि का गुणकार लिखकर उसमें से ऋण राशि का गुणकार घटाने के लिए, यानी वो जगत प्रतर और वो 4 संख्या उसकी बात रिपीट नहीं की है, उसको तो वैसे ही लिखा है, और जगत प्रतर के आगे जो गुणकार था उसमें से वो दूसरा गुणकार माइनस किया 6125 × 5 उसमें से ऋण राशि का गुणकार घटाने के लिए ऋण राशि के ऊपर ऋण राशि ऊपर लिखकर, यानी ये जो लास्ट टेबल देख रहे हैं
वहाँ धनराशि जो है 8424 वो नीचे लिखी है, उसमें से जो माइनस करना है 6120125 वो ऊपर लिखी है, उसे घटाने की संदृष्टि ऊपर बिंदी की है, यानी उसके ऊपर बिंदी लिखने से तो उसमें से घटाया ऐसा अर्थ होगा। पुनश्च भागार का भागार भाज्य का गुणकार होता है, क्योंकि एक के एक नीचे तीन संख्या की भागा का गुण, जैसे 100 को हम 4 से भाग लेंगे और 4 को फिर 5 से भाग लेंगे, तो ये नीचे का 5 गुणकार रूप में चला जाएगा। इस न्याय से मूल राशि में भागहार प्रतरांगुल का भागहार असंख्यात था, यानी प्रतरांगुल के असंख्यात पे भाग से भाग दिया था जगत प्रतर, प्रतरांगुल के असंख्यात पे भाग से जगत प्रतर को भाग दिया था, उसको मूल राशि के गुणकार का गुणकार किया। ये बात कुछ ख्याल में आती है? यहाँ हमने देखा था जगत प्रतर डिवाइडेड बाय प्रतरांगुल डिवाइडेड बाय असंख्यात, यानी प्रतरांगुल के असंख्यात के भाग से जगत प्रतर को भाग दिया। ये भागहार का भागहार है, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी? ये इसका गुणकार रूप में यहाँ होगी, क्योंकि भागहार का भागहार राशि गुणकार हो जाता है। आप देखो अगला, तो मूल राशि में भागहार प्रतरांगुल का भागहार असंख्यात था, उसको मूल राशि के गुणकार का गुणकार किया, और ऋण राशि में 5 का अंक था उसको ऋण राशि के गुणकार का गुणकार किया। इसलिए यहाँ जो अभी लास्ट टेबल देखा हमने, उसमें पहले कॉलम में जगत प्रतर के आगे गुणकार जो है 8424 को असंख्यात से गुणा किया, वो मूल राशि वाला गुणकार, और जो पर्याप्त राशि के लिए 6120 के आगे 5 का गुणकार, तो वो पर्याप्त राशि वाली है, उसमें से वो बाद में, ये उसकी संदृष्टि इस तरह से हो जाती है। अब यहाँ से काय मार्गणा शुरू हो गया, तो मेरा प्रश्न है काय मार्गणा की अपेक्षा कितने भेद होते रहे, और मूर्ति में बताएंगे काय मार्गणा की अपेक्षा जीवों के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से हो गए? आप किसमें आते हैं उसमें से? तो त्रस को भी गिनना के नहीं गिन, कितने हुए? पांच स्थावर का है, वो अलग अलग गिनना है, ये पांच के नाम अलग अलग है और त्रस का एक अलग है, यानी छ का कहते तो हम छका जीव किस रक्षा के लिए। देखो काय मार्गणा में उनकी संख्या भी बताएंगे, यहाँ काय की अपेक्षा डिवीजन चली, वहाँ बादर सूक्ष्म पृथ्वी आदि चार कायिक जीवों का शरीर, पहले उनके अवगणना बता रहे, घनांगुल के असंख्यात पे भाग मात्र कहा है, बादर का भी और सूक्ष्म का भी कितना? हाँ, तो हमें एक पर्वत दिखाई देता है, वो एक जीव है कि नहीं है? घनांगुल का असंख्यात का भाग उसके अवगणना बता रहे, हमें जो दिखाई देते हैं वो तो उसके असंख्य जीवन के शरीर एक साथ जुड़े हैं, उसका स्कंद बन गया है, वो हमें दिखाई देता है। तो चार कायिकों की बात की, वहाँ सूक्ष्म पृथ्वी कायिक अपर्याप्त के जघन्य शरीर की अवगणना की ऐसी, क्यों पृथ्वी कायिक की? क्योंकि हमने देखा था पहली अवगणना किसकी देखी थी हमने? सूक्ष्म निगोद की, सूक्ष्म निगोद द्रव्य पर्याप्त की जगह में था, दूसरे नी वाते ऐसा लिखा ना, फिर वायु का एक ही देखी, फिर तेज का एक ही देखी, फिर जल का एक ही देखी, और फिर पृथ्वी का एक ही देखी। तो यहाँ पृथ्वी का एक होने में क्या किया था हमने? पांच संख्या ना, पहले से दूसरी आवली की असंख्या पे भाग देना, दूसरे से तीसरी आवली का असंख्या का भाग देना, तीसरे से चौथे अवली का असंख्या का गुणा, और यहाँ भी चार बार अवली के असंख्या के भाग से गुणा किया, और हमने सूक्ष्म निगोद की अवगणना में अवली का असंख्या का भाग 9 बार देखा नीचे भागहार में,
उसमें से चार बार कैंसिल हुआ तो पांच बार रहेगा, यही लिखा है यहाँ देखो। सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्त के जघन्य शरीर अवगाहना की ऐसी, अवगाहना की समृष्टि ऐसी, ये ऐसी नहीं, ये समृष्टि का प्रकरण चल रहा है। कैसी है घनांगुल्य आवली का संख्या का भाग 22 बार लिया, उसके नीचे भागार में पल्ले के असंख्या का भाग 19 बार लिया, जो पहले से उतना ही था हमने लिया हुआ, उसके आगे क्या लिखा है आवली का असंख्या का भाग 5 बार, निगोद से 4 बार आवली का असंख्या के भाग से गुणा किया था तो 9 बार था, तो 5 बार रही गया, और फिर एक अधिक आवली का भाग आवली का असंख्या का भाग 22 बार, फिर आगे संख्या 9 बार। और ये तो सूक्ष्म की बात हुई, बादर पृथ्वी का ही पर्याप्त की बात करे, अपर्याप्त की नहीं, बादर पृथ्वी का ही पर्याप्त की उत्कृष्ट होगा। ये कैसे देखे थे हमने, देखो याद करो, पहले हमने वो कोफे देखे थे, पहले कोफे में पांचों सूक्ष्म थे, दूसरे कोफे में 6 थे, यानी वो बादर अपर्याप्त जीव थे, तीसरे कोफे में और वो जो प्रतिष्ठित वगैरह वो जीव लिए थे, और फिर चौथे कोफे में पर्याप्त की जगन्य अवगाहना ली थी, उसके नीचे के कोठे में अपर्याप्त की उत्कृष्ट ली थी थोड़ी अधिक, और उसके नीचे के कोठे में पर्याप्त की उत्कृष्ट ली, जो विशेष अधिक दो बार हुआ, परंतु पृथ्वी का एक नंबर तो बाद में आया, पहले तो निगोद का लेंगे विशेष अधिक विशेष अधिक, उसके बाद तेज का एक, वायु का एक लेंगे, तेज का एक लेंगे, अब का एक लेंगे, तो इसलिए अभी यहाँ क्या रह गया देखो, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना ऐसी, एक घनांगुल आवली का असंख्या का भाग 4 बार, नीचे पल्ले का असंख्या का भाग भी 4 बार रह गया 19 बार के बदले, एक अधिक आवली का असंख्या का भाग 4 बार, क्योंकि ये ऊपर नीचे जो है ना चार बार चार बार, इसके उल्टे गुणा करने से वो कैंसिल हुआ, विशेष अधिक में ये कैंसिल हुआ, तो पहले कितने बार था वो 22 बार था, उसमें से 4 बार बार ये कैसे है, तो हमने वो जीव समाज में बहुत विस्तार से लिखा, ऐसे इत्यादि जीव समासोक्त संदृष्टि जाना, जीव समास में बताई हुई संदृष्टि यहाँ जाए। पुनश्च प्रतिष्ठित शरीरों का प्रमाण लाने के लिए प्रमाण राशि प्रतिष्ठित की उत्कृष्ट अवगाहना जीव समासोक्त ऐसी, कैसी तो घनांगुल डिवाइडेड बाय पल्ले का असंख्या का भाग 2 बार और संख्या 9 बार, उसके लिए फल राशि 1 और इच्छा राशि संख्या घनांगुल प्रमाण 1 स्कंद, समझ में आती बात, प्रतिष्ठित की उत्कृष्ट अवगाहना, मैंने इतनी अवगाहना एक जीव की है, इतनी अवगाहना में एक जीव, तो एक स्कंद में कितने होते हैं संख्या घनांगुल, वहां लब्ध राशि 2 बार पल्ले के असंख्यात भाग को 10 बार संख्या से गुणा करने पर जो प्रमाण हो उतना एक स्कंद में प्रतिष्ठित शरीरों का प्रमाण जानना, लोग पूछते हैं एक वनस्पति एक झाड़ एक जीव होगा कि नहीं होगा, इसलिए ये प्रतिष्ठित जो है प्रत्येक जो वनस्पति है उसका एक स्कंद बताया, स्कंद ने हमें जो झाड़ दिखाई देता है वो एक स्कंद है, अनेक प्रत्येक शरीर वाले जुड़ 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 उसका एक स्कंद बन गया, तो उसमें जीव कितने, तो एक जीव की अवगाहना यहाँ बताइए, वो भी उत्कृष्ट अवगाहना बताइए, प्रतिष्ठित की एक जीव की इतनी अवगाहना, यानी इतने अवगाहना में फल राशि 1 यानी एक जीव, तो जो संख्या घनांगुल प्रमाण एक स्कंद दिखाई दे रहा है, यानी एक पेड़ हमें दिखाई दे रहा है, उसमें कितने जीव हो गए, तो देखो 2 बार पल्ले के असंख्यात वे भाग से गुणित 10 बार संख्यात गुणा, इतने उसमें प्रतिष्ठित शरीर हो गए, इतने वहां पर
प्रतिष्ठित शरीर, प्रतिष्ठित शरीर तो वो प्रत्येक शरीर है और उसके आधार से निवृत्त रहेंगे वो बात अलग, किंतु उसको प्रतिष्ठित शरीर कहा विशेषार्थ। यही बात फिर दोबारा अपनी भाषा में यानी क्या, जैसे हम त्रैराशिक लिखते हैं गणित में, समय हो गया ये कंप्लीट कर। हाँ देखो ये त्रैराशिक, क्योंकि घनांगुल के डिवीजन में वो पल्ले का असंख्या का भाग दो बार और संख्या नौ बार हो गए, उसमें एक शरीर, तो संख्या घनांगुल ये स्कंध की अवगणना है, में कितने हो गए तो नीचे जो हमें इच्छा राशि है उसको वहाँ एक यानी पल राशि से गुणा करेंगे और प्रमाण राशि से भाग देंगे, तो ये तो घनागुण घनागुण कैंसिल हो गया, उसका अपवर्तन हुआ। और फिर आगे उसकी संख्या कैसे आएगी, डिनोमिनेटर, वो सब उल्टा हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर यानी भागार का भागार ऊपर चला आएगा, तो पल्ले का संख्या का भाग दो बार, वहाँ नौ बार संख्या था, ऊपर का एक बार संख्या था और उसमें तो दस बार, तो बाकी आगे का कथन हम कर लेते हैं। देखो उसका अर्थ होता है वो नीचे के बिंदी उल्टी होनी चाहिए, इसीलिए की साइन है। हम स्कूल में ऐसा लिखते थे ना, याद है कि नहीं? बिकॉज इतना इतना है इसलिए, इसका उत्तर ये हम कहते ना, वो नीचे की साइन फिर उन्होंने उल्टी रखी, वो नीचे की उल्टी चाहिए, ऊपर एक बिंदी और नीचे दो बिंदी, इस तरह से चाहिए। जावानी के